I am Akash Dubey and welcome back to AK Academy once again. So in this particular video, we are going to solve the previous year questions of electrochemistry of IIT JAM exam from 2011 to 2020. We will be discussing each and every question from the electrochemistry chapter. Also, I will give the detailed explanation and the analysis that how many questions have been asked. So please watch this video completely to understand each and everything, to understand the pattern, how the questions from electrochemistry are designed to ask in IIT JAM exam. But before that, please help us to reach the 10,000 subscribers, because only few subscribers are left. So please hit the like button and share with your friends, and don't forget to subscribe this channel. Please share with your friends so that we can achieve this target as soon as possible. So guys, let's begin. तो सबसे पहले एनालिसिस देखते हैं. तो एनालिसिस में 2011 में अगर आप चेक करो तो देयर वाज टू क्वेश्चन, और 12 में चेक करो तो वन था, 13 में एक था, 14 में दो, 15 में फिर से एक, एंड 16 में दो, 17 में थ्री, 18 में वन, 19 में वन और 20 में थ्री. सो 20 में अभी तक का सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से अभी तक, अगर आप चेक करो 2011 से रिकॉर्ड उठा के. तो एटलीस्ट एक तो हर साल आता ही आता है, और उसके साथ साथ दो तीन तीन तक मैक्सिमम आया हुआ है, राइट. 17 में भी तीन पूछा गया था, 20 में भी तीन पूछा गया. सो गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए अच्छे से. सो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और आपको इसको शेयर भी करना है दोस्तों के साथ. एंड इफ यू वॉन्ट यू नो परचेज द कोर्स एंड ऑल्सो, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप. And if you want the question papers and also, you can visit to www.akacademy.in. और उससे पहले आप कोशिश ये कीजिए कि एक्चुअली मैं इसका PDF I will try to give in the description. Otherwise, you can join our WhatsApp group and ask, right? And I will provide the PDF of this question paper. अगर आपने practice नहीं किया है तो you can try with your own. After that, watch this video. या फिर आप video को ही देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, because बहुत difficult level नहीं है. तो सबसे पहला देखते हैं. सो द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर BaCl2, KCl, K2SO4 एंड Cl- आर दिस दिया हुआ है आपको. कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ba2+ इन BaSO4 सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. पहले क्या होता था, MCQs क्वेश्चन के साथ साथ हमारे पास डिस्क्रिप्टिव भी आते थे, तो ये उसका पार्ट है. बट वी विल ट्राई टू सॉल्व एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है. तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, BaCl2 का आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 280 पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल. दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू. इफ आई टॉक अबाउट KCl, इट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 150 यूनिट. मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ लीजिए. अगर मैं बात करूं K2SO4 की, K2SO4 में इट इज गिवन एज 300. And if I talk about only Cl minus, so it is 76. Clear है? They are asking transport number of Ba2 plus. अभी तक ऐसे सवाल शायद देखे होंगे आपने, definitely in BaSO4. तो formula क्या है friends? Formula ये है कि अगर हमको इसका transport number निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Ba2 plus, इसका transport number निकालना है, तो मोलार कंडक्टेंस ऑफ पर्टिकुलर कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन मोलार कंडक्टेंस ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. यहां पे मैं इसको BaSO4 लिख देता हूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको मैं Ba2+ कर देता हूं ताकि आप समझ में आ जाए. तो सबसे पहले ये दोनों चीजों हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी. अब ये दोनों फाइंड आउट कैसे करेंगे तो उसके लिए समझते हैं. देखिए, अगर हमको मोलार कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले हम BaCl2 ले लेते हैं, ठीक. अब BaCl2 में हम फिर इसमें से दो Cl अपने को निकालना पड़ेगा, और हमको K2SO4 भी चाहिए, तो हम पहले इसमें K2SO4 भी ऐड कर देते हैं. आप देखो K2 और Cl2 दोनों निकालना है, यहाँ पे माइनस टू KCl का कर देंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना. ये Cl2 और ये K2 दोनों हो जाएगा रिमूव फ्रॉम दिस. इसको आप डिसोसिएट करके देखोगे, सो इट कैन बी रिटन एज लैम्डा नॉट Ba2+ प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl-. और ये इसको जब आप करोगे तो ये Cl- है, ये Cl- कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस.
यहाँ पे आप देखोगे तो के टू से ये के टू कैंसल हो जाएगा। लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर। तो इसकी वैल्यू क्या है, 280 है, प्लस इसकी वैल्यू क्या दी हुई है अपने को K2SO4 की, दैट इज 300। इसकी कितनी है KCl की, 150 माइनस 2 इंटू 150। ठीक, अब आप इसको करोगे तो ये 300 से 300 कैंसल, यू आर गोइंग टू गेट 280 फॉर BaSO4 एज वेल। ठीक, इतना मिल गया अपने को। अब अपने को निकालना है लैम्डा नॉट ऑफ Ba2+। अब ये कैसे निकालेंगे डियर, इसको निकालने के लिए हम ले लेते हैं लैम्डा नॉट ऑफ BaSO4 माइनस, सॉरी SO4 नहीं है, Cl2 ले लेते हैं क्योंकि Cl का अपने को दिया हुआ है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं, माइनस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, बस हो गया। BaCl2 का क्या है, 280 माइनस 2 इंटू इसका क्या है, 76। बस मिल गया अपने को 280 माइनस यहाँ पे 152, एंड इट कम्स आउट टू बी 128। नाउ वी कैन फाइंड आउट दिस वन, दैट इज 128 अपॉन 280, एंड इट कम्स आउट टू बी, ये आपको कितना मिल जाएगा, जो भी आपका आएगा वो होगा आंसर, दैट कम्स आउट टू बी अप्रोक्स 0.457, अप्रोक्स आप समझ लीजिए 0.46। सो दिस इज योर ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर बेरियम आयन। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट द प्रॉब्लम इज गिवन दैट डेल्टा जी इज ऑलरेडी गिवन टू अस, माइनस NFE, derive the expression for the temperature dependence of the cell potential in terms of the change in entropy, del S की बात कर रहा है। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या है फॉर्मूला, आपको याद होगा A की मैं बात कर रहा हूँ, तो दैट इज dG इज इक्वल टू VdP माइनस SdT, ये आपको मालूम होगा, अगर नहीं पता तो थर्मोडायनामिक्स में आप मैक्सवेल रिलेशन से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि dP जब जीरो हो जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी dG इज इक्वल टू माइनस SdT मिलता है, तो S क्या हो जाएगा, S विल बी इक्वल टू माइनस dG अपॉन dT हो जाता है। अब G को हम लोग जानते हैं, अगर इसको मैं डेल S कर दूं तो ये डेल G हो जाएगा, माइनस d डेल G अपॉन dT। वी नो दैट डेल G इज इक्वल टू माइनस NF E. ठीक, तो डेल एस विल बी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी प्लस डेल एन एफ डी एन एफ ई अपॉन डी टी। सो डेल एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एन एफ डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू गेट फॉर्मूला, एंड दे हैव आस्क्ड दिस वन, पहले के डिस्क्रिप्टिव पूछे गए थे, बट आई एम डिस्कसिंग विद यू सो दैट आपके ही बेनिफिट के लिए है ये सारी चीज। ठीक, तो ये मिल गया अपने को, यानी कि टेलर्स की वैल्यू मिल गई। अब देखो दूसरा क्या पूछ रहा है, बी का, बी में दे आर सेइंग ई की वैल्यू आपको दी हुई है, ई इज गिवन टू यू दैट इज 1.26 वोल्ट, एन की वैल्यू दी हुई है, टेलर्स की वैल्यू दी हुई है माइनस 96.5 जूल पर केल्विन पर मोल, करेक्ट, एंड दे आर आस्किंग कैलकुलेट ई एट 85 डिग्री सेल्सियस पे पूछना चाहता है, और 25 पे दिया हुआ है, यानी कि आप मैं यहाँ पे टी लूँ तो 25 मतलब कि 298 केल्विन, और यहाँ पे अगर मैं ई की बात करूँ तो 85 तेरा, तो 85 यानी कि कितना हो जाएगा, वन इसका तो पहले कितना दिया हुआ है, अच्छा ई दे आर आस्किंग, ई पूछ रहा है टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 273 प्लस 85 That comes out to be 358 Kelvin. So we know the formula. Del S is equal to NF. यहाँ पे मैं E2 minus E1 कर सकता हूँ upon T2 minus T1 from this one only. Correct. अब मैं del मान लिया कि ये हमारा E2 है. इसको मान लेते हैं ये हमारा E2 है और ये हमारा T2 है, ये हमारा E1 है, ये हमारा T1 है. That's all. तो del S की जगह मैंने रख दिया 96.5 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी मिली है, 2 अपने को दिया हुआ है, 2 इंटू 96500, E2 का मतलब E2 निकालना है, E1 यानी कि 1.26, T2 यानी कि 358 माइनस T1 यानी कि 298,
आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आपको क्या मिल जाएगा ये पूरा का पूरा कैलकुलेट अगर हम करें तो, ये एक्चुअली दिस साइड दिस विल कम दिस साइड और इसका ये कैंसिल करेगा, 965 इधर भी आ जाएगा, 965 इधर भी आ जाएगा, डेसिमल आप अरेंज कर लोगे तो उस हिसाब से कैलकुलेशन इसका हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 60 का, सो डिफरेंस ऑफ दिस कम्स आउट टू बी 60। और अगर इसका इसका देखें तो ये हो जा रहा है 100 आई गेस समथिंग कुछ इस तरीके से आएगा, देख लेते हैं, माइनस 96.5 अपॉन 96500 इंटू 2 और इंटू 60 कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज इक्वल टू ई टू माइनस 1.26। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये हो गया 30 और 30 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया अगर 10 से तो ये 965, 965 से इसको करेंगे तो ये 100 यानी कि 3/100 आएगा, ये माइनस में इज इक्वल टू ई टू माइनस 1.26। तो ये 3 × 10⁻², तो ई टू भी जो है वो हमारा अप्रॉक्स 1.26 वोल्ट आ रहा है अप्रॉक्स, बिकॉज ये 0.03 हो जाएगा, जो उतना माइनस करेंगे तो एक्चुअली थोड़ा सा कम होगा, 1.24 होगा, सॉरी 24 भी मिलेंगे, 23, ठीक। तो ये आने मिलने वाला है तो 1.23 वोल्ट का अप्रॉक्स 1.26 जो भी आंसर रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट द प्रॉब्लम विच वॉज आस्क्ड इन 2012 इज एक्चुअली A concentration cell with two hydrogen electrodes at two different pressure is depicted as this. They have given you this expression, है ना? उसके बाद आपने को क्या करना है? Potential अपने को निकालना है। तो देखो, अगर हम इधर साइड का लें तो एक हाइड्रोजन जो है H2, अगर मान लिया है ये P1 पे, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसका तो होगा ऑक्सीडेशन। वही दूसरे की अगर बात करें तो ये 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म H2 और इसका क्या होगा प्रेशर P2। तो आफ्टर दिस दिस विल गेट कैंसल और हमको क्या मिल जाएगा H2P1 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2P2। अब यहां से अगर हम निकालें बिकॉज यहां पे क्या हो जाएगा ई नॉट सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ई सेल कम्स आउट टू बी माइनस आरटी अपॉन एनएफ एलएन, एलएन आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट साइड यानी कि P2 अपॉन P1 आएगा, और माइनस को अगर हर लोग हटा दे तो आरटी अपॉन एनएफ एलएन P1/P2 ये अपने को आंसर मिलेगा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो P1 अपॉन P2, एन की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू मिल जाएगी 2, सो दिस विल बिकम 2, सो डी आपका करेक्ट होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन इज गिवेन मोल, मोल पर डीएम क्यूब यानी कि मोल। आयन कंडक्टेंस ऑफ क्लोरो एसिटेट एंड एच प्लस आयंस आर दिस यानी सीएल सीएच टू सी डबल ओ माइनस इज इक्वल टू 50 यूनिट आप समझ लो, है ना, और एच प्लस का दिया हुआ है 350। दे आर आस्किंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पीकेए ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड और एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन, हाउ यू कैन फाइंड आउट। तो देखो सबसे पहली चीज, अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉरी मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालें तो ये हो जाएगा एज पर कोलरॉस लॉ सी डबल ओ माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ एच प्लस एंड व्हाट इट कम्स टू बी आयनिक कंडक्टेंस बोला है ना, तो 50 प्लस 350 and it comes out to be 400. अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी नो, अल्फा व्हाट इज अल्फा,
lambda m upon lambda naught at infinite dilution or molar conductance. तो ये अपने को दिया हुआ है 100 अपॉन 400, इट कम्स आउट टू बी इतना मिल जाएगा 100 अपॉन 400, इट कम्स आउट टू बी 0.25. ठीक, अल्फा की वैल्यू मिल गई. अब के ए निकाल लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाउंड आउट. के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा. अल्फा की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है. आफ्टर पुटिंग इट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट विल बी योर आंसर. एंड आफ्टर कैलकुलेशन ये 0.25 का स्क्वायर, सॉरी हाँ, बराबर इनटू 0.012 अपॉन 1 माइनस 0.0 सॉरी 0.25. तो इसका जब कैलकुलेशन करोगे ना, इट कम्स आउट टू बी 7.59 इनटू 10 रेज टू माइनस 4. तो के ए मिल गया. इज इट इजी टू कैलकुलेट पी के ए? यस ऑफ कोर्स. पी के ए विल बी इक्वल टू माइनस लॉग के ए माइनस लॉग 7.59 इंटू 10 रेस टू माइनस 4. अगर हम इसको पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा? इट कम्स आउट टू बी -3.12. सो पी के ए की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी. यू कैन यूज कैलकुलेटर एंड यू कैन फाइंड आउट. नेक्स्ट देयर आस्किंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस. अब ये कैसे हम निकालें? तो देखिए कैसे डिसोसिएट होता है. सी एल सी एच टू सी डबल ओ एच, इट डिसोसिएट एज सी एल सी एच टू सी डबल ओ माइनस प्लस एच प्लस. देखिए जब इसका कॉन्सेंट्रेशन था, मान लीजिए सी था, तो ये जीरो जीरो थे इनिशियल. आफ्टर डिसोसिएशन मान लीजिए सी अल्फा इसमें से डिसोसिएट हुआ, तो ये भी सी अल्फा निकला, ये भी सी अल्फा. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा, यानी कि सी कॉन्सेंट्रेशन अल्फा मतलब 0.2. सो दैट इज 0.012 इंटू 0.25. सो दिस इज वॉट द कॉन्सेंट्रेशन वी विल. And it comes out to be 0.003 molar. ये आपका आंसर हो जाएगा concentration of H plus के लिए. तो एक आंसर ये मिल गया, दूसरा आंसर ये मिल गया, और तीसरा आंसर आपका ये मिल गया. ठीक, I hope this is clear to you. Next देखते हैं 2013 का क्वेश्चन. इसमें क्या पूछ रहा है? MnO4 minus plus Zn, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है. What the above reaction is the equilibrium constant is this. अगर ये आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो x की वैल्यू पूछ रहा है. सो फॉर दिस यू शुड नो द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला से दैट E naught cell इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के. ठीक, एंड इट इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 से ये जा रहा है प्लस 2 में, और अगर हम Zn की बात करें तो ये 0 से जा रहा है प्लस 2 में. तो देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, Mn7 plus is accepting 5 electron and it is converted into Mn2 plus, और Zn is giving Zn2 plus plus 2 electron. To balance this reaction we need to multiply it by 2 and this by 5. अगर इससे कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दस कम्स आउट टू बी 10, एन की वैल्यू हो जाएगी 10. मैं सिंपली समझा रहा हूँ. ठीक, अब एन की वैल्यू 10 मिल गई. तो ई नॉट सेल अपने को दिया हुआ है 2.4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी हुई है दैट इज 0.06, तो अपॉन सॉरी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग के. तो कैलकुलेट कर सकते हो, ये इधर जाएगा, ये इधर साइड आएगा. तो आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 2.4 इनटू 10 अपॉन 0.06 इज इक्वल टू लॉग के. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो इट कम्स आउट टू बी 4 इनटू 10 रेज टू माइनस 2. ठीक, और यहीं से अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी एंटी लॉग 4 इनटू 10 रेज टू माइनस 2. 4 into 10 raised to minus 2 यानी कि 0.04. So here your answer will be 0.04. So this will be your answer as per what we are getting. ठीक, या आंसर होना चाहिए. अगर 10x के फॉर्म में ऐसे डिनोट करें तो x की वैल्यू अपने को निकालनी है. ठीक, तो ये 0.04 होना चाहिए. नेक्स्ट
The ionic strength of 0.1 molar aqueous solution of Fe2SO4 thrice is. तो देखिए इसको कैसे करना है. सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे. लेट्स राइट डाउन द डिसोसिएशन रिएक्शन. तो इट इज ब्रेकिंग एज 2 Fe2 प्लस प्लस 3 SO4 2 माइनस. तो यहां से अगर आप देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ है 0.1 मोलार. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 2 × 0.1, इसका हो जाएगा 3 × 0.1. यानी कि ये आपका हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2. अब Z1 की बात करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस, Z2 की बात करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस. एज सिंपल. ठीक. ये 3 प्लस होना चाहिए. इट शुड बी 3 प्लस राइट, नॉट 2 प्लस. इफ इट इज 3 प्लस या 3 × 6 एंड बराबर ये 3 प्लस होना चाहिए. नाउ लेट्स राइट डाउन एंड लेट्स फाइंड आउट. सो वी नो दैट आयनिक स्ट्रेंथ I इज इक्वल टू समेशन Mi Zi स्क्वायर हाफ एम पे. तो ये हो जाएगा 1/2 M1 Z1 स्क्वायर प्लस M2 Z2 स्क्वायर. अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 M1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.2 इंटू Z1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर. M2 यानी कि 0.3 और Z2 का स्क्वायर यानी कि 4 यानी 2 का स्क्वायर बराबर. अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व. तो ये हो जाएगा 1/2 9 × 0.2 प्लस ये 4 × 0.3 यानी कि 1.2 हो जाएगा. 1.8 प्लस 1.2 तो इट कम्स आउट टू बी 3.2 यानी कि 1.5. तो इज देयर एनी ऑप्शन. यस डी में 1.5 है और ये अपने को मिल जाएगा. ठीक. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. इफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Na प्लस इज 0.463 है ना. T of Na plus is given to us 0.463 dilute solution of NaCl in methanol. Okay, the transport number of H plus is, they are asking for transport number of H plus. क्या होगा यहाँ पे. molar conductance at infinite dilution दिया हुआ है इसका NaCl का. दिया हुआ है. ठीक. दोनों की यूनिट सेम है. इसका क्या दिया हुआ है HCl का 192 दिया हुआ. ठीक. अब इसके लिए हम लोग कैसे करने वाले हैं. देखो अगर हमको निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस सो वी हैव टू फाइंड आउट द मोलार कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन मोलार कंडक्टेंस ऑफ HCl. बिकॉज हमको HCl में निकालना है ना HCl में एक नॉर्म. तो ये हमारा फॉर्मूला होगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. नाउ अभी हम क्या क्या चीजें हमको पता है और क्या क्या हमको निकालना है. तो देखो ये तो अपने को पता है बट ये नहीं पता है तो ये कैसे निकालेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम ये यूज कर लेते हैं Na प्लस इज इक्वल टू मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस अपॉन मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaCl. तो अपने को देखो क्या मिल जाएगा. इसको दिया हुआ है 0.463 और ये हो जाएगा मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस और ये हो जाएगा 96.9. ये भी अपने को दिया हुआ है. नाउ लेट्स फाइंड आउट द मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 0.463 इंटू 96.9 इट कम्स आउट टू बी 44.86. ये अपने को मिल गया इतना. नाउ टू फाइंड आउट द मोलार कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन what we are going to do, molar conductance of HCl at infinite dilution ye karenge plus molar conductance of Na plus which we have find out over here ye karenge. ab Na aur Cl dono mil jayenge minus molar conductance of NaCl. to isko kar dete hain. to ye kya diya hua hai apne ko. HCl ka kitna hai 192 hai. Na plus ka kitna hai 44.86 hai और NaCl का कितना है 96.9 है. आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू गेट 139.96.
अब ये वैल्यू भी मिल गई और ये वैल्यू भी मिल गई. नाउ पुट इट आउट एंड यू आर गोइंग टू गेट 139.96 अपॉन 192. आफ्टर सॉल्विंग यू आर गोइंग टू गेट 0.72 एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एच प्लस इन एच सी एल. ठीक, ये आपको मिल जाएगा आंसर. नेक्स्ट देखते हैं 2015 का क्वेश्चन. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के प्लस इन साइड ए बायोलॉजिकल सेल इज 20 टाइम्स हायर देन आउटसाइड. यानी कि ये बोल रहा है कि एक्चुअली जो आउटसाइड में है, आउटसाइड जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्चुअली 20 टाइम्स होगा किसके, आप ऐसे समझो इनसाइड वाला जो है वो 20 टाइम्स है किसके, आउटसाइड वाले कॉन्सेंट्रेशन की बात हो. द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू साइड इज, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, लेट्स से दैट इज ई, अगर मान लिए आई कुछ और सिंबल होता है आई गेस आरटी अपॉन एनएफ, यहां पे हो जाएगा एलएन, आउटसाइड का कंसंट्रेशन जो एक्सटर्नल है अपॉन इनसाइड का कंसंट्रेशन. तो रख दो वैल्यू आरटी अपॉन एनएफ, के प्लस है तो के प्लस का यानी कि एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1, तो आरटी अपॉन एफ यहाँ पे हो जाएगा एल एन, आउटसाइड में कितना बोल रहा है 20, सॉरी क्या बोल रहा है, आउटसाइड का मान लिया जाए एक्स था, ठीक है तो इसका क्या हो, इनसाइड का हो जाएगा 20x, एक्स एक्स कैंसिल 1/20 मिलेगा. अगर इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो आर टी अपॉन एफ ये हो जाएगा लॉग 1/20. सो योर आंसर कम्स आउट टू बी, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है अपने को 59 मिली वोल्ट दिया हुआ है, तो ये हम रख देते हैं 59 इंटू, इसको हम लोग जब वो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके अगर हम चेक करेंगे तो वो आपका 77 मिली वोल्ट आएगा. ठीक, योर सी विल बी योर आंसर.